टॉपिक आज का फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इससे पिछली क्लास में पढ़ा था ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के प्रकार। ट्रांसपिरेशन क्या है? वाष्पोत्सर्जन प्लांट्स के वायव्य भागों एरियल पार्ट्स से जल का वाष्प के रूप में लॉस, हास। पादप के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में हास ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो ट्रांसपिरेशन को दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाह्य कारक। बाह्य कारक कौन कौन से हैं जो ट्रांसपिरेशन को प्रभावित, ट्रांसपिरेशन की रेट को प्रभावित करते हैं? लाइट, टेम्परेचर, वाइंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड स्प्रे ऑफ केमिकल्स, ये बाह्य कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लाइट, प्रकाश। प्रकाश किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है? लाइट अधिकांश पादपों में प्रकाश की उपस्थिति में स्टोमेटा खुलते हैं, लेकिन प्रकाश के एब्सेंट में रंध्र बंद होते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। प्रकाश ल्यूस के तापमान को भी बढ़ाता है, जिससे मेसोफिल सेल्स की पारगम्यता बढ़ जाती है। जिससे ट्रांसपिरेशन की दर प्रभावित होती है, या ट्रांसपिरेशन की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है इसका टेम्परेचर, तापमान। तापमान भी अगला फैक्टर है टेम्परेचर। तापमान भी प्रत्यक्ष रूप से वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। टेम्परेचर बढ़ने से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से वातावरण की रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अपेक्षित आर्द्रता बढ़ जाती है, सॉरी कम हो जाती है।
जिससे ट्रांसपिरेशन दर बढ़ जाती है, वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाती है, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है लिव्स के अंदर तथा बाहरी वातावरण में वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ट्रांसपिरेशन की दर और बढ़ जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने से वातावरण की रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपेक्षित आर्द्रता कम हो जाती है, जिससे ट्रांसपिरेशन रेट वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है लीव्स के अंदर तथा बाह्य वातावरण के मध्य वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे और भी ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाती है, वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है वाइंड, वायु। वायु भी वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। वायु की गति तेज होने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, क्योंकि लीव्स के बाहरी वातावरण में वायु जल वाष्प को उड़ा ले जाती है, जिससे वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता कम हो जाती है तथा डीपीडी बढ़ जाता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। डीपीडी बढ़ने से लीव्स द्वारा जल वाष्प बाह्य वातावरण में धीरे धीरे विसरित होने लगती है, लेकिन वायु की गति और अधिक तेज होने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम होने लगती है, क्योंकि वायु की गति अधिक तेज होने से लीव्स के स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर धीरे धीरे कम होती है। वायु की गति तेज होने से ट्रांसपिरेशन की दर बढ़ जाती है, क्योंकि लीव्स के आउटर एटमॉस्फेयर में वायु जल वाष्प को उड़ा ले जाती है, जिससे एटमॉस्फेयर में अपेक्षित आर्द्रता कम हो जाती है।
तथा डीपीडी बढ़ जाता है। डीपीडी बढ़ने से डीपीडी इंक्रीज होने से लेउस द्वारा जलवाष्प एटमॉस्फेयर में आउटर एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे विस्तृत होने लगती है। तथा ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन की दर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार वायु भी वायन भी वाष्पोषण की दर को प्रभावित करती है। वायु की गति तेज होने से ट्रांसपिरेशन की दर बढ़ जाती है क्योंकि ल्यूस के आउटर एटमॉस्फेयर में वाइंड जल वाष्प को उड़ा ले जाती है जिससे एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर की अपेक्षित आर्द्रता कम हो जाती है तथा डीपीडी बढ़ जाता है। डीपीडी इंक्रीज होने से ल्यूस द्वारा जल वाष्प आउटर एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे विस्तृत होने लगती है तथा ट्रांसपिरेशन की दर बढ़ जाती है। डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। नेक्स्ट फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जल की उपलब्धता। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जल की उपलब्धता पादपों में वाष्पोषण की दर पर्याप्त मात्रा में जल अवशोषण की दर पर निर्भर करती है। रूट एंड्स पर यदि रूट एंड्स पर जल की मात्रा कम होगी तो स्वतः ही वाष्पोषण की दर कम हो जाती है।
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो जल की उपलब्धता जो ट्रांसपिरेशन की दर को प्रभावित करती है। प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन रेट पर्याप्त मात्रा में जल अवशोषण की दर पर निर्भर करती है। यदि रूट एंड्स पर, जड़ों के एंड्स पर जल की मात्रा कम होगी तो स्वतः ही ट्रांसपिरेशन की दर कम हो जाती है। प्लांट्स द्वारा जल अवशोषण दर विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे मृदा ताप, मृदा वायु, मृदा में उपस्थित या मृदा में जल की उपलब्धता तथा लवणों की सांद्रता। इस प्रकार अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर या जल की उपलब्धता वाष्पोषण को प्रभावित करती है। इससे नेक्स्ट है, नेक्स्ट फैक्टर है केमिकल स्प्रे या स्प्रे ऑफ केमिकल्स। स्प्रे ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का छिड़काव, केमिकल्स के या रसायनों के छिड़काव से मेजोफिल सेल्स तथा प्लांट्स की क्यूटिकल की पारगम्यता प्रभावित होती है। जैसे बोर्डेक्स मिक्सर के छिड़काव से लीव्स का तापमान बढ़ जाता है, जिससे जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। लेकिन एंटी ट्रांसपेरेंट्स, एंटी ट्रांसपिरेशन या एंटी ट्रांसपेरेंट्स पदार्थों के छिड़काव से वाष्पोत्सर्जन की दर को कम किया जा सकता है। बोर्डेक्स मिक्सर, के छिड़काव से या के स्प्रे से लीव्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे ट्रांसपिरेशन की दर बढ़ जाती है। बोर्डेक्स मिक्सर के छिड़काव से लीव्स का तापमान बढ़ जाता है, जिससे ट्रांसपिरेशन की दर और भी अधिक बढ़ जाती है। लेकिन ट्रांसपिरेशन की दर को कम करने के लिए प्लांट्स के ऊपर एंटी ट्रांसपेरेंट पदार्थों का छिड़काव करके ट्रांसपिरेशन की दर को कम किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स जो ट्रांसपिरेशन की दर को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रांसफरिंग एरिया और लीफ एरिया, सेकंड है स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी, थर्ड है लीफ स्ट्रक्चर, फोर्थ है रूट एंड शूट रेशियो, इंटरनल फैक्टर्स ट्रांसफरिंग एरिया और लीफ एरिया, सेकंड है स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी, थर्ड है लीफ स्ट्रक्चर, फोर्थ है रूट एंड शूट रेशियो। तो इस प्रकार ये फैक्टर्स वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसफरिंग एरिया और लीफ एरिया। वाष्पोषण की दर का सीधा संबंध वाष्पोषण करने वाले पादप अंगों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, जिनमें से लीव्स का क्षेत्रफल, फ्रूट्स फ्रूट्स फ्लावर्स एंड शाकीय पादपों का क्षेत्रफल सम्मिलित है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण लीव्स का क्षेत्रफल है। जिन पौधों में लीव्स का क्षेत्रफल अधिक होता है उनमें
वाष्पोष्ण दर की दर सर्वाधिक होती है या उनमें वाष्पोष्ण अधिक होता है। ट्रांसपेरिंग एरिया और लीफ एरिया। वाष्पोष्ण दर का सीधा संबंध वाष्पोषण करने वाले पादप अंगों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, जिनमें से लीफ का क्षेत्रफल, फ्रूट का क्षेत्रफल, फ्लावर्स का क्षेत्रफल व शाकी पादपों का क्षेत्रफल सम्मिलित है। इनमें से लीफ का क्षेत्रफल सबसे महत्वपूर्ण है। जिन पौधों में लीव्स का क्षेत्रफल अधिक होता है उनमें ट्रांसपेरेशन की दर सर्वाधिक होती है या वाष्पोषण की दर अधिक होती है। इंटरनल फैक्टर्स का नेक्स्ट फैक्टर है लीफ स्ट्रक्चर। लीफ स्ट्रक्चर, कुछ पौधे ट्रांसपिरेशन के प्रति अनुकूलित होते हैं, जैसे कुछ पौधे लीव्स का आकार छोटा होना, पाइनस में पाइनस की लीव्स छोटी होती है। लीव्स की
लीफ स्ट्रक्चर। कुछ पौधे वाष्प पोषण के प्रति अनुकूलित होते हैं, जैसे लीव्स का आकार छोटा होना पाइनस में, लीव्स पर क्यूटिकल का मोटी होना व धसे हुए रंध्र की उपस्थिति नेरियम में, लीव्स का वलित होना ग्रास लीव्स, ये सभी लक्षण ट्रांसपिरेशन की दर को कम करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है इसका रूट एंड शूट रेशियो। रूट एंड शूट रेशियो कम होने पर वाष्प पोषण की दर कम हो जाती है, लेकिन रूट एंड शूट रेशियो अधिक होने पर वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। इंटरनल फैक्टर्स का फोर्थ फैक्टर है रूट एंड शूट रेशियो। रूट शूट रेशियो कम होने पर ट्रांसपिरेशन की दर कम तथा अधिक होने पर रूट शूट रेशियो अधिक होने पर ट्रांसपिरेशन की दर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है।